इस बाइक के बारे में इंडिया में ज़्यादा कोई बात नहीं करता है। ये बाइक जो है ये इंडिया में बहुत ही रेयर है, तो ज़्यादा लोगों ने ये बाइक परचेज नहीं की है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अजय एंड टुडे आई एम गोइंग टू मेक अनदर ब्लॉग ऑन टू मोस्ट स्पेशल बाइक्स, द 2017 BMW HP4 रेस एंड द 2018 डुकाडी पानीगाले V4 स्पेशल है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखिए एंड वीडियो देखने के बाद ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो इफ यू गाइस आर ऑन माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू रिसीव ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। जो मेरे चैनल पर दूसरी बार आए हैं या मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई वुड रिक्वेस्ट देम ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑन द पेज ब्लॉगर एजे। So let's start with the video. The 2017 BMW HP4 race and 2018 Ducati Panigale V4 Speciale. Both the bikes are limited edition, but this is not the only reason which makes these two bikes very special. But I'll come to that point later. But before I'll share some information about the BMW HP4. So BMW का नाम निकले और मैं S1000RR की बात नहीं करूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हो सकता है क्या? नहीं ना। सो बेसिकली सब जानते हैं कि इंडिया में BMW S1000RR इज़ वेरी पॉपुलर एंड काफ़ी सारे बाइकर्स की ड्रीम बाइक है वो, इंक्लूडिंग मी। इवन आई लाइक दैट बाइक वेरी मच। बट अगर मैं HP4 की बात करूँ तो इस बाइक के बारे में इंडिया में ज़्यादा कोई बात नहीं करता है। ये बाइक जो है ये इंडिया में बहुत ही रेयर है, तो ज़्यादा लोगों ने ये बाइक परचेज नहीं की है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं एक छोटा सा कंपैरिजन देके। सो जब हम ये दोनों बाइक को हेड टू हेड रखते हैं तो दोनों भी बाइक एट फर्स्ट ग्लांस एकदम सिमिलर दिखती है एंड काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि ये दोनों भी बाइक सेम ही है, सिर्फ कुछ ग्राफिक्स का डिफरेंसेस होगा या फिर यू नो सम अदर थिंग्स विच इज़ ओनली अ कॉस्मेटिक डिफरेंस। बट ऐसा नहीं है, दोनों भी बाइक्स के कुछ डिफरेंसेस मैं अभी आपको पॉइंट आउट करके बताऊँगा। द फर्स्ट डिफरेंस इज़ दी हेडलाइट। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो दोनों भी बाइक्स के हेडलाइट जो है वो मिरर इमेज है एक दूसरे की। एंड जो सेकंड चीज़ है इस बाइक का ये है कि जो HP4 है उसमें लाइट वेट कॉम्पोनेंट्स यूज़ किए गए हैं, कार्बन फाइबर पार्ट्स थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है एंड जो अलॉयज़ है वो थोड़े लाइट वेट यूज़ किए हैं कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड S1000RR, जो HP4 को S1000RR से 5 kg हल्का बना देती है। सो अगर मैं कर्व वेट की बात करूँ तो जो HP4 है वो 199 kg वेट होता है इसका वेट एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द S1000RR, सो द टोटल कर्व वेट इज़ 204 kg। येस, सो द HP4 इज़ लाइटर इन टर्म्स ऑफ द वेट। एंड ऑल्सो इफ़ आई टॉक अबाउट द इंजन, तो दोनों का इंजन सेम है बट दोनों का इंजन डिफरेंटली ट्यून किया है BMW ने। ऑल्सो द सस्पेंशन हैज़ बीन ट्यून डिफरेंटली फॉर द HP4 एंड द S1000RR, बिकॉज S1000RR वॉज मेड फॉर द स्ट्रीट, फॉर हाईवेज एंड फॉर द ट्रैक, बट HP4 वॉज मेड स्पेशली फॉर द ट्रैक। इसीलिए उसका सस्पेंशन थोड़ा हार्डर साइड पर रखा हुआ है, उसको थोड़े लाइट वेट कॉम्पोनेंट्स दिए हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द इंजन ट्यूनिंग, तो बिटवीन 6000 to 9250 RPM जो HP4 है वो थोड़ा एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करता है कम्पेयर टू द S1000RR। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न विच मेक्स द HP4 मोर ट्रैक फोकस्ड। सो ये रहा कुछ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द HP4 एंड द S1000RR। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज कंपेरिजन। सो अभी तक जो मैंने बात किया है वो स्टैंडर्ड HP4 BMW की मैंने बात की थी, विच आई कंपेयर्ड विद द S1000RR। बट राइट नाउ इन टुडेज कंपैरिजन जो मेरा बाइक है दैट इज 2017 BMW HP4 रेस। नाउ माइंड यू दिस इज अ स्पेशल एडिशन एंड इट इज अ ट्रैक ओनली बाइक, इट इज़ नॉट अ स्ट्रीट लीगल बाइक। सो इट जस्ट वेज एट 146 kg ड्राई। Can you believe it? It is 1 kg lighter than my 2015 KTM RC390. Yes, and if I talk about the weight, it is just 172 kilos. Imagine that you are riding a bike as light as the KTM RC390 with 5 times more power. You will go all nuts, mind you. So basically, as I said earlier, that it is a track-only machine. So a lot of weight has been reduced because it doesn't have the headlights, the tail lights, indicators, mirrors, the license plate, the pillion seat and the foot pegs. So all these things also were, you know, put some amount of weight to the bike, which makes it a track only bike. And coming back to the other factors, a lot of carbon fiber components has been used in this bike. And also if I talk about the frame, it gets a one piece carbon fiber frame which just weighs at 17.2 pounds
and it is 9 pounds lesser than its aluminium counterpart. Coming back to the other things, it gets lot of things which are adjustable, including the swing arm pivot inserts. We get a adjustable rake, the adjustable steering heads offset, and that is not enough. It also gets a racing camshaft, the titanium valves, and a full titanium acrobic exhaust system, resulting in a 172 kgs beast which produces 215 bhp at 13,900 rpm and 120 newton meters of torque at 10,000 rpm. Exciting, isn't it? But all these top of the line equipments and the features comes with a humongous price tag. And yes, BMW in 2019 launched its BMW HP4 Race at 86.7 lakhs ex showroom. So that is a huge price to pay for. And even when the BMW launched its 2017 model, they had launched it at a price of 85 lakhs, which was the most expensive bike in India after the Kawasaki launched its H2R. As I said earlier, that it is not a street legal bike, so you need to hire a towing van to transport it to the track every time you want to test its mad performance. And that is not enough. BMW also claims that you need an engine replace after every 5000 kilometers. Yes, unlike the other bikes, this bike does not have a service interval. So a new engine comes at a price of around 12 lakh rupees. So those who are trying to do the math, you will need to replace a new engine after every 15 to 20 track days, and you will have to shell out more 12 lakh rupees, which makes this bike the most expensive one to afford, and also a very rare and a special bike. So that's all about the 2017 BMW HP4 Race. Let's move on to the 2018 Ducati Panigale V4 Speciale and see what is so special about this bike. So in 2018, Ducati launched its first mass-produced 4-cylinder V4 engine, which was named as the Ducati Panigale V4, which is derived directly from the MotoGP Desmo Sedici. Well, for the people who do not know what is Desmo Sedici, it is the short for Desmodromic Distribution of 16 Valves, where the Desmo is short for Desmodromic and Sedici means 16. So desmodromically actuated 16 valves means that the poppet valve inside of an engine is controlled by two cams and two actuators, each for the positive opening and the closing of the valve, which prevents it from the valve float at the higher RPM to gain maximum performance. And Ducati does not uses the valve spring unlike the other bikes for the closing, and it uses the cams and the actuators to do the same. So the Ducati V4 also replaces the iconic 1299 at the top of the Ducati Supersport range, and it is loaded with latest electronics and top of the line braking and suspension, which can be controlled electronically on the go. So Ducati launched 4 variants of the V4 in 2018, which includes the V4 as standard. Then we have a V4S about that. Then we have the V4 Speciale, which is the special limited edition, which we are going to talk about in today's comparison. And the last one, but not the least, the sportier V4R, which produces 221 HP, which is mad. So well, today we are going to talk about the Ducati V4 Speciale, as it is a limited edition, just like the BMW HP4 Race. But unlike the HP4 Race, this bike is also a street legal bike, which makes the Ducati V4 Speciale an all-rounder. So let's start with the pricing. So Ducati has launched the V4 Speciale at 51.80 lakhs ex showroom, which is 35 lakhs cheaper than the BMW HP4 Race. It is really shocking because it does everything what the HP4 Race can do. So it weighs around 194 kgs wet, and it is 22 kgs heavier than the BMW HP4 Race. But with a full titanium racing acrobovic exhaust system, which Ducati offers as an option, it produces 226 bhp and 124 newton meters of torque, which is 11 hp and 4 newton meters of torque more than the BMW HP4 Race. It pretty much makes up with the extra weight that it carries over the BMW HP4 Race. The Ducati V4 is a street legal bike, so definitely it has
all those things which the BMW SP4 race is not equipped with. Starting off with the headlights, the indicators, the tail lights, mirrors, and the pillion seat and the foot pegs. And yes, all these of things can be shredded off when taking the V4 on the track, which will take the V4 that much close to the BMW HP4 race. Ducati claims a service interval of 12 months or 24,000 kilometers, which makes this bike very practical one. So without wasting any further time, let's see which one comes as a true winner by putting both these monsters side by side. And to test both these machines, we have the best of the two TT riders, the Michael Rutter on the 2018 V4 Panigale Speciale and Peter Hickman on 2017 BMW HP4 race. And a track which is known to be the most fastest and the dangerous track in the history of motorcycle racing. Yes, the Isle of Man TT.